न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया जिले में फिर से बेमौसम बारिश का नजारा, बिजली कड़कती बारिश का आगमन। गोंदिया जिले में बेमौसम बारिश ने एक और रूप ले लिया है। सुबह बारिश आ गई, इस बारिश से धान की फसल को नुकसान होने की संभावना है। इस समय किसान रबी सीजन की धान की फसल काट रहे और उनमें से कई ने खेतों में ही धान काट लिया है, इसलिए इस बारिश से किसानों की धान की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुलढाणा, कपास का भाव न होने पर किसान ने पशुओं को कपास खिला दी। कीमत बढ़ने की उम्मीद में कई किसानों के पास सैकड़ों क्विंटल कपास पड़ा हुआ है। हालांकि कपास के 6,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलते हैं। मोटाला तालुका के कोतली में एक किसान संतोष काशीराम जौहरी ने मवेशियों और भेड़ों को अलग अलग कपास खिलाकर सरकार की किसान विरोधी नीति का विरोध किया है। सरकार के पास उर्वरकों का बड़ा भंडार है, तो सरकार किसानों को खाद की 700 रुपए की बोरी क्यों नहीं दे रही है, ऐसा सवाल उठाया गया है। मोटाला तालुका के कोतली के किसान संतोष जौहरी के पास नागझारी शिवरा में 10 एकड़ का खेत है। इस साल उन्हें 120 क्विंटल कपास मिला है। कपास को घर लाने में उन्हें 40 रुपए किलो खर्च करना पड़ा और मई में कपास की कीमत 6,500 रुपए प्रति क्विंटल थी, जबकि व्यक्तिगत कपास की कीमत 40 रुपए प्रति किलो थी। इसलिए किसान संतोष जौहरी इस कपास को घर ले गए, लेकिन घर में जगह नहीं होती, इसे कहीं और रख दे तो शरीर में खुजलाहट होती है। कपास के अच्छे दाम नहीं मिलने से 120 क्विंटल कपास घर में है। उन्होंने सरकार की किसान विरोधी नीति का विरोध करते हुए प्रतिदिन 12 से 13 मवेशियों को 30 से 40 किलो कपास खिलाकर गाय ढेप कहाँ से लाए, पशु कहाँ से लाए, और व्यापारियों ने उन्हें कपास नहीं देने की मांग की है 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। कापूस वेचला 250 रुपये रोज दिला आणि 5-6 किलो कापूस वेचू राहिले आणि काय परवडणार आहे तो 40 रुपये किलो व्यापारी मागून राहिला, त्याच्यानं मग ढोरांनी खाल्ला तर काय परवडणार नाही, त्यासाठी मी ढोरायला लावला मांडणे। हे शेतकऱ्याला काहीच पुरून नाही राहिलं, आता ना इलाज आहे, भाव होते कुठून गेले कुठे, पर्याय राहिला नाही, आता काय करा, आता खाऊ द्या ढोरांनी खाल्ले तर काय वाया चाललं, या भावात जर त्याला द्या तर मग ढोरं का भांडले, त्यासाठी ढोरायला खाऊ द्यानं लावला तो आता जो निघला तो निघला, 250 रुपये रोजात काय परवडणार आहे, 5-6 किलो बाई येचून राहिली, आज तो 40 रुपये किलो तो येतेल पडून राहिला, त्याच्यानं आम्हाला काही परवडून नाही राहिलं, म्हणून हा कापूस आम्ही ना ढोरायला मांडणं लावला। किती क्विंटल आहे भाऊ पूर्ण कापूस? 5-6 क्विंटल निघला हा शेवटचा याचा, बरं परवडत नव्हता तरी वेचला, म्हणतो भाऊ काही ना काही भाव भेटीन, पण आता भाव भेटूनच नाही राहिला, आता भाव रोजच्या रोज उतरतच चालले, निरा बेपाऱ्यानं लूटमार लावली, त्यात नेताही कोणी बोलायला तयार नाही, त्यानं कंडिशन बहुत लय खराब होत चालली, आता आता इलाज नाही, आता ढोरं परवडले एकदा की त्याला खाऊ दिला तर म्हणाल तरी शांती होईल, पण भाव परवडून नाही राहिला हा। बरोबर, असं आहे आता स्वतःचं मा वैयक्तिक मत। बरोबर आहे तुमचं, ना इलाज आहे, त्याला इलाजच नाही काही भाऊ, कापसाले भाव असे असल्यामुळे ढोरायला खाऊ घालाच लागते। 12,000-13,000 भाव होता तो 6,000 रुपये 4,000 रुपये विकू राहिला आता, तर काय परवडणार आहे। बरोबर आहे, मग आता तुमची इच्छा काय अजून? आता काय खाऊ द्या ढोरायला खाऊ द्या, त्याच्यापेक्षा तो घरी नेला तर खाजो दे, इथं ठेवला तर काय करा दिले आता। बरोबर, घरी नेऊन बी काही फायदा नाही। आतापर्यंत किती क्विंटल कापूस खाऊ घातला तुम्ही ढोरांना? आता रोजच्या रोज चालू आहे ते 50-50 किलो मांडणं। बरोबर बरोबर, जास्त खाऊ घातला ते होऊन नाही, म्हणून रोज 50-60 किलो टाकतो मी द्यायला, हेप खाऊ घातल्यापेक्षा कापूस खाऊ घालायचा। चालेल चालेल, आइए देखते अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई, सुमित मोरे को स्थानीय निकायों के चुनाव में उचित हिस्सा मिले। आरपी में आठवले का गुट स्तरीय अधिवेशन शिरडी में होगा। इस अधिवेशन में आर अनुकरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले के साथ राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित मोरे ने बताया कि नवनियुक्त कोंकण अध्यक्ष सुशांत सकपाल को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस समय सभी कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा गया, शिरडी में होने वाले अधिवेशन को सफल बनाने के लिए काम करें। कोंकण अध्यक्ष सुशांत सकपाल ने कहा कि इस सत्र में कुछ राजनीतिक संकल्प लिए जाएंगे, मुख्य रूप से राज्य के आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार में आठवले गुट से मंत्री लेने की मांग होगी। सरकार जबकि स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव में उचित हिस्सा दिलाने की मांग होगी। इस बार रामदास आठवले सकपाल ने कहा
कि वे अमेरिका दौरे की सफलता का जश्न मनाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।